जल्दी आ गया कि मम्मी पीछे कहीं गुम हो गए, पता नहीं कहाँ रुक गए। अरे यार ज्यादा गोरा लग रहा था आज। यहाँ लगवाने आना था मैंने, और यहाँ तो कोई चांस ही नहीं है कि नंबर आ जाएगा आज की डेट में। लाइन में लगी पड़ी है भैया। शिवानी एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। इट्स अ न्यू डे एंड अ न्यू वीडियो। तो अभी टुडे इज 12th ऑफ अक्टूबर, 12th है ना, हाँ 12th ऑफ अक्टूबर। और राइट नाउ द टाइम इज 12:30 इन द आफ्टरनून। और अभी मैंने इस टाइम ब्लॉग स्टार्ट किया। वैसे तो इस टाइम मैं अपनी कोचिंग के लिए गई होती हूँ, होती नहीं अवेलेबल, पर ना आज सुबह मैं जब घर से निकली मम्मी कह रही तो अपने में लगी रहेगी, आज भी रात को घर आएगी, क्योंकि सुबह से निकलती हूँ शाम को आती हूँ और उसके बाद जिम चली जाती हूँ। तो कहते हैं मुझे मार्केट लेके जाना है, कल करवा चौथ है, मुझे अपने लिए बैंगल्स वगैरह लेनी है, तो मैं आज जल्दी आ गई। मैं कहा चल मम्मी को लेकर चलती हूँ, क्योंकि देखो मेरी मम्मी डॉग लवर है ना, तो जहाँ जाते हैं वहीं शुरू हो जाते हैं। तो एनी वेज अभी हम जा रहे हैं मार्केट, मार्केट से इनको सामान वगैरह दिलवा के उसके बाद आज काफ़ी कुछ है करने के लिए, तो सब कुछ अभी कवर करेंगे। और एक्टिवा पे नहीं जा रहे हैं, पैदल ही जा रहे हैं मार्केट। एक तो घर हमारा मार्केट में ही है, जाने का एक्टिवा पे भी जा सकते थे, बट पैदल जाने का भी एक अलग ही मज़ा है। एक ब्लॉग भी अच्छे से बनेगा, दूसरा पैदल वॉक भी हो जाएगी थोड़ी बहुत, और तीसरी चीज़ हम ट्रैफिक जाम में स्टक नहीं होंगे। आप पकड़ो रश में खोजोगे आप मम्मी हो गए, फिर मैं कहाँ से लाऊंगी हमारी मम्मी। मेरे को पता है आपको कुछ नहीं पता, क्या आप कई बार गली के बाहर खड़े होते हो और आप कहते ये कौन सी जगह है, कहते नहीं हो। भी आए हैं बॉयज़ के कपड़े देखने, मतलब पापा की शर्ट लेने आए हैं। बेसिकली मम्मी बोल रही थी कि मुझे पापा को गिफ्ट करनी है, है मम्मी तो एक शर्ट पसंद किया पापा के लिए, ले लिया। यहाँ से जो रश शुरू हुआ है ना भाई, देखो आगे देखा, लाइक लिटरली उस साइड पर पता नहीं लग रहा है लोग भी है, देखो कितने ज़्यादा। जल्दी आ गया कि मम्मी पीछे कहीं गुम हो गए, पता नहीं कहाँ रुक गए। अरे यार कहाँ रह गए वो, आगे मम्मी मम्मी कहाँ रह गए थे, ऐसे बता के तो रुको, ऐसे बिना बताए रुक जाओगे, मैं तो ढूंढती रहूंगी आपको, ऐसे नहीं रुकना बिना बताए आपसे। कितने सुंदर सुंदर बैंगल्स हैं यहाँ पे, देखो मम्मी लेंगे अपने सूट के साथ। लो लो मम्मी जल्दी लो। ये तो भैया इनकी शॉप यूजुअली मेरठ में, सिर्फ करवा चौथ पे यहाँ पे लगाते हैं, हर साल आते हो यहाँ पे आप? अच्छा कितने दिन के लिए, कितने दिन के लिए आते हो इधर? अच्छा वैसे हम बाला में रहते हैं आप लोग, अच्छा तेल है नहीं और कुछ लेने यहाँ से, करो भैया पैक करो ये बनाओ। मेहंदी के लिए भी काफी लोग लगाने के लिए बैठे हुए थे, मैंने कहा वैसे तो मैं ही लगाती हूँ मम्मी को, तो मैं कहा लगवा देती हूँ, मेरे पास तो टाइम है नहीं। फिर ना हमेशा रात को मम्मी बोलते हैं कि मेरी मेहंदी लगी है, इसलिए मैंने कहा मम्मी को निपटा देते हैं। भाई अच्छी सी लगाना मेहंदी, ठीक है। मेरी मम्मी की हमेशा ये कंप्लेंट रहती है कि तू मेरे अच्छे से लगवाती, तो इस बार लगा देना बढ़िया सी। इतनी शॉपिंग के चक्कर में मेरी बैंड बज रही है, गर्मी में पागल हो गई, इतनी परेशान हो गई, हालत खराब हो गई, इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है। आसपास कुछ खाने पीने का भी नहीं है कि बंदा जाके बैठ दे कहीं। मम्मी उधर देखो धूप में बैठे हुए लगवा रहे हैं मेहंदी, यार मैंने गलती करी, छांव वाली साइड तो था ही, मैं भी क्या करती, समझ नहीं आ रहा कुछ। आगे से पीछे से ठीक है, बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच गर्ल्स, थैंक यू। चलो मम्मी लो जी लो। एक लड़की ने ना गाड़ी बीच में स्टक कर दिया और सब मिलकर उसको मतलब वो कर रहे हो, टॉर्चर हो गई बेचारी, लोग वीडियोस बना रहे हैं वहाँ खड़े होकर, देखो देख रहे हो ना, ठीक है स्टक हो गया, पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं, लोगों को वीडियो बनाने की उतनी क्या जल्दी है इसमें। हमारे यहाँ के फेमस है सानी मिट्टी वाले, यहाँ पे रश देखो, ऐसा लगा फ्री की मिल रही है, इतना रश, ओ भाई लाइने लगी हुई लिटरली अंदर जाने के लिए। यहाँ का टाइम फॉर द जूस, मम्मी लो पियोगे, मैं पिलाऊं, लो चीयर्स। अभी धीरज के साथ जा रही हूँ मिनी मैम के घर, एक्चुअली मिनी मैम की जो डॉटर है गरिमा मैम, उनका बर्थडे आया तो धीरज उनके पास ट्यूशन भी जाता है, तो ये केक ले आया था, बाकी मैंने भी कुछ लिया हुआ था, उन्होंने कहीं चले जाना है तो इसलिए दोपहर को अभी जा रहे हैं। और मार्केट जाके ना मेरे होने लग गया था सर में दर्द, क्योंकि धूप में ना अपने को पैदल चलने की बिल्कुल आदत नहीं है, और आधा पौना घंटा मार्केट मम्मी के साथ घूमी ना, मेरे तो इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा था। क्या बात है, आज तो तेरी मैडम का बर्थडे है, खुश रहे, कितना हो रहा है। अरे वाह Happy birthday to you, happy birthday to you, बहुत प्यारे लग रहे हो, बहुत प्यारे लग रहे हो, happy birthday, thank you। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मैंने आपको सरप्राइज किया?
है, आपको पता था मैं आने वाली हूँ? नहीं, नहीं फिर तो अच्छा, इसको पता था, ये बोल के गया था कल? नहीं, बुलाया था ना। अच्छा, इसने मेरे को छुट्टी है, बुलाया था बच्चों को। अच्छा ठीक है ठीक है। तो धीरज लाया है अपने मैम के लिए चॉकलेट केक। थैंक यू धीरज, आपको पसंद था? बहुत। उसको पता था आपकी चॉइस, हमें नहीं पता थे। सब पता है। हाँ, पता क्या कह रहा है, पिछली बार जब हम मैम के लिए लेके गए थे ना, तब गरिमा मैम ने कहा था मेरा फेवरेट आ गया, इसको तब का अभी याद था। देखो पिटता रहता है, जरा मेरे से पिटता है। फिर तो सही है, कोई ना कोई होना चाहिए इसके साथ हर टाइम। पहले वो तो डिजर्व करता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर गरिमा मैम, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे डियर गरिमा मैम, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। धीरे धीरे अच्छे से क्लैपिंग करनी होती है। ये हमारी प्यारी शिवानी है और मेरा प्यारा बेटा धीरज। ये धीरज लेकर आया अपनी दीदी के लिए। टाइम फॉर द समोसा एंड खस्ता पार्टी। 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ, 5 मिनट निपटा दिया तो ठीक है, वरना मैं चल जाऊंगी और तू पैदल आ जियो। जल्दी खा, ओ ड्रामेबाज, मेरे तो एक समोसा रह गया, तो जल्दी खत्म कर जल्दी। अच्छा जी, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, अब हम चलते हैं। थैंक यू फॉर द ट्रीट, बाय बाय। बहुत अच्छा लगा जैसा केक भी और आपका गिफ्ट। बाय मैम। हाँ है ना, आज लॉट्स ऑफ मैसेजेस आए मेरे पुराने फ्रेंड्स के और जितने मेरे साथ पुराने कलीग्स थे स्कूल के, इंक्लूडिंग दीपक एंड नेहा, और पुराने स्टूडेंट्स के। फिर जब मैंने मोबाइल खोला, आई वाज एस्टोनिश्ड टू सी देयर वर 100 मैसेजेस फॉर द बर्थडे ग्रीटिंग्स फॉर गरिमा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू बाय बाय। चलो बाय बाय, एंजॉय, बाय। Later that same evening. तो मैं आप सबको बता देती हूँ, ये हमारे दीपक सर है, आपने कई बार ब्लॉग्स में देखी रखा है। ये सर के मैडम है हमारे नेहा मैम और ये हमारा अंशु। तो मैम का कल बर्थडे था तो मैम एकेडमी आया, तो हमने कहा चलो मैम का भी बर्थडे थोड़ा सेलिब्रेट कर लेते। बाकी ना जब केक लेने गए थे उसके पास व्हाइट वाला वो था नहीं, तो मैं खुद अपने हाथों से लिखा है यहाँ पे मैम का नाम, जो कि शायद नजर आ रहा है। नहीं मैम, अच्छा लगा आपको देखने में केक? चलो काटते। ये मैंने पता क्यों मंगाया, जो मम्मा ने मेरे लिए केक रखा था आपने खा लिया ना, इसीलिए मंगवाया। मम्मा आपको खिलाएंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, happy birthday to you, happy birthday dear Neha ma'am, happy birthday to you. Kale 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 kale, happy birthday Neha ma'am, clapping karo bhi sare, happy birthday pagal, chocolate ko band kar, khali ke chocolate jo ho jayega, dekho hamesha yahi hota hai, ऐसे होता है। हाँ ऐसे ही होता है, चॉकलेट फेशियल हो जाएगा। मेरा क्यों? तो क्या हुआ, मेरे भी तो हुआ है, मेरे भी क्यों? तू ज्यादा गोरा लग रहा था आज, इधर आ तू। आ रहा नहीं, देख ले फिर बात नहीं करूंगी, अगर तू साफ किया तो फिर देख लियो। रुक जा इधर, पहले ज्यादा लग गए इधर से, इधर ऐसे, अभी रुक जा, अभी नहीं ऐसे, रुक जा इधर आ जाओ। मेरे लगा मैं देख ले, मेरे लगा हुआ ऑलरेडी देख रहे हैं आप। मैम बर्थडे आपके हाल मेरा खराब करते हैं, ये क्या करा मेरे साथ? माना कि मैं इनोसेंट बच्चा हूँ, मैं कुछ नहीं कहता, अब इसको ये थोड़ी तुम मेरे साथ ये करोगे। नहीं मैं इनोसेंट बताना नहीं, मैम हूँ ना। अंशु देखो क्या करा मैम सर, अंशु देखो, अंशु इधर देखो, जस्ट डन विद द मेहंदी, दिखाना मैम। मैंने मैम के हाथों में मेहंदी लगाई है, कैसी लगी आपको? अच्छी लगी। बाकी आप लोग भी मतलब जो फीमेल ऑडियंस है, कमेंट करके बताना कैसी लगी, पीछे भी करो देखो। तो ये मैंने मैम के लगाई है, आपको पसंद आई ना? तो टाइम इज 9:30, रात के 9:30 बज रहे हैं और धीरज अभी मार्केट जा रही है। एक्चुअली मेरा ना मेहंदी लगाने का मन कर रहा था, मैं कहा यार मैं भी लगवा ही लेती हूँ, जा रहे हैं, अगर कोई बंदा फ्री मिला तो लगवा लेंगे, नहीं मिला तो वापस आ जाएंगे, मेरे को कौन सा ऐसा एमरजेंसी है। बट दिन में भी मन कर रहा था, बट ड्यू टू माई बिजी स्केड्यूल मैंने दिन में इतना सोचा नहीं कि लगवाऊँ या कुछ भी, बट अभी मेरा मन कर रहा है तो मैं धीरज को लेकर आई हूँ, देखते हैं लगवा पाते हैं। क्यों छोड़ो ना भाई, किसी के पैसे गिरे पड़े यार। धीरज उठा, साइड में रख दे, उठा ना साइड में रख दे कोई ऐसे। हाँ चल क्या कह रहा था अभी, क्या गिफ्ट लेना है, किसके लिए लेना है गिफ्ट? लेना भाई मैंने अभी तूने कुछ बोला था मेरे को गिफ्ट करने के लिए, कुछ लेना है? सच बोलते थे किसी को देना। हाय तूने कहा नहीं था अभी? नहीं जी, कि कल व्रत रखेगी उसको कुछ देना पड़ेगा, दीदी जरूरी है या नहीं? हाय हाय तू ही सही है यार, देने वाले कितनी लकी है, तू गिफ्ट दे रहा, हमारे को तो कोई गिफ्ट नहीं दे रहा, तेरे का तो कोई गिफ्ट भी दे रहा है, मार्केट में दे ही नहीं रहा, देखो इतना रश है, 9:30 बजे भी रात को मार्केट में, देखो फिर तू गिफ्ट किसको दे रहा है?
मजा आ रहा है ना चहल पहल देख के, रात के 9:30 बजे के टाइम भी इतने लोग खड़े हैं बाजार के अंदर। यहाँ लगवाने आना था मैंने, और यहाँ तो कोई चांस ही नहीं है कि मेरा नंबर आ जाएगा आज की डेट में। लाइन में लगी पड़ी है भैया, देखो उधर क्यों में खड़े हैं सारे वहाँ तो आगे। फिर अब उधर ही लगवा ले पीछे, क्या कहते हो? छोड़ो लगाऊंगी मैं। तो फाइनली मुझे जगह मिल गई है और ये लगाएंगे मुझे मेहंदी। अभी धीरज गया, पता नहीं कहाँ गया, अपनी सहेली के लिए कुछ लेने गया होगा। सुंदर सी लगाना है बैंगल, जल्दी जैसी बताइए ना वैसी लगा देना, ठीक है? पता है क्या, पहले खुद लगाती थी ना तो इतना मतलब इस टाइम तक खुद जाती थी मैं, है ना। और अभी तो ये हो गया कि चलो थकी हुई कम हूँ तो इसलिए मैं आ गई। अभी कुछ था नहीं करने के लिए, ब्लॉग में था एडिट करने के लिए, कम्प्लीट नहीं हुआ था, तो अगर जाके मेहंदी लगा लेती हूँ, ब्लॉग भी पूरा हो जाएगा और मेहंदी भी। चूड़ी वाले भैया, चूड़ियाँ कितने की दे रहे हो? धीरज चूड़ी वाले, और धीरज चूड़ियों की दुकान खोल लियो। बस सारी सहेली यही आएगी चूड़ियाँ लेने। बाकी मेहंदी बहुत सुंदर लगा रहे हैं, जैसे चाहिए थे ना, कोई यही वाली अच्छी लगती है। तो एक हाथ पे कंप्लीट हो चुकी है जो कि बहुत सुंदर लगी है मेहंदी। मतलब पता नहीं अभी ऐसे पता लग रही, मुझे ना ऐसे ही पसंद है, मुझे फुल फुल नहीं पसंद, लेकिन ये डिज़ाइन पसंद है मुझे बहुत ज़्यादा। मैंने लास्ट ईयर भी ऐसे ही लगवाया था। मैं कहाँ बस के, छोड़ दो यार मैं जा रहा। फोन तेरे पास है, तू जा ही नहीं सकता बेटे ऐसे। तो क्या हो? अब तो मेहंदी पूरी होने पे मेरे साथ ही जाएगा। फोन साथ ले, ऐसे कैसे साथ ले लेगा, चांटे नहीं खा लेगा। तो फाइनली डन विद माय मेहंदी, यू कैन सी, और अभी हम जा रहे हैं घर। अच्छा धीरज घर दिखा दे मुझे। फाइनली मेरे दोनों हाथों मेहंदी लग चुकी है और आज का व्लॉग जो है, शक्ल तो दिखा दे, व्लॉगर नहीं बन सकता तो इस हिसाब से मैंने बनना भी नहीं। अब आने वाला जितना भी है, और पीछे भी थोड़ी देर से कौन शूट कर रहा था, हमारे धीरज भाई साहब शूट कर रहे थे। धीरज भाई साहब बहुत ज्यादा इरिटेट हो गए क्योंकि उन्हें कैमरा पकड़ना रख रहा है। तो आज के लिए आपके कैमरामैन, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कैमरामैन धीरज के साथ, बोलने वाले को क्या बोलते हैं, स्पीकर शिवानी, कैमरामैन धीरज के साथ स्पीकर शिवानी ऑन प्ले। तो भाई एक शाइना वो थी ना जो मेरे व्लॉग्स में आती है, मतलब मेरी फ्रेंड है, एक शाइना हमारे पास ही है, बहुत प्यारी है ये, बहुत प्यारी शाइना है। शाइना अभी तो मेहंदी लगी है ना, इसलिए जब मेहंदी उतरेगी ना तो वो एक और शाइना से मिलने वाले लाएगी। वो डरती है डॉक्टर से, वो वाली शाइना प्यार करवाने के लिए, देख रहे हो मतलब डिमांड देख रहे हो इधर। बाय शाइना, बाय शाइना। तो यार अब घर जा रही हूँ, मेहंदी सूखेगी उसके थोड़ी देर के बाद मैं सो जाऊंगी, जब तक नहीं सूखेगी वेब सीरीज लगा लूंगी कोई और देखती रहूंगी। आई थिंक इस दिन को, इस वीडियो को, इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर करना, एंड इफ यू आर न्यू टू माय यूट्यूब चैनल देन डू सब्सक्राइब इट। तो कल मिलते हैं नए दिन और नए वीडियो, तब तक के लिए बाय।